लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अर्चना द्विवेदी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, मकान खाली कराने को लेकर लोगों ने किया विरोध, घर से मिली दरबारें। जिंदगी और मौत के बीच छोड़ रही बच्ची को डॉक्टर ने बचाया, बच्ची ने निकल लिया था टूथपेस्ट का ढक्कन, चार माह में नाक में फंसा था ढक्कन। इंदौर जिले में कॉलेज अभियान का हुआ शुभारंभ, स्कूल के बाद कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन ने बनाई नई योजना। इंदौर शहर में अवैध अतिक्रमणों पर नगर निगम का बुलडोजर निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में आजाद नगर की कोहिनूर कॉलोनी के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला, इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। इंदौर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को आजाद नगर क्षेत्र की कोहिनूर कॉलोनी में निगम के निर्मूलन करने पहुंचकर अवैध निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाया। शुरुआती दौर में अतिक्रमणकारी और कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद पुलिस दल के सुरक्षा के साए में निगम के दल ने सख्ती से अतिक्रमण किए अवैध भवनों को धराशायी किया गया। बुधवार को हुई कार्यवाही में बड़ी बात यह रही कि जिस अवैध भवन पर बुलडोजर ने सुबह करीब 11 बजे मकान को तोड़ा, वहां से एक दर्जन से अधिक हथियार बरामद हुए। घर के ढेर सारी तलवारें निकली जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। हथियारों के लिए मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। रिमूवल दल के प्रमुख महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अतिक्रमण तोड़ने के दौरान शुभान पटेल के मकान से निकले कुछ अवैध हथियारों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मोबाइल में रखा दो इंश्योरेंस अंदर वो कहते हैं धरती पर भगवान के रूप में डॉक्टर ही हैं। यह कहावत उस समय सटीक बैठी जब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही बच्ची को डॉक्टर मौत के मुंह से बचा लाए। तस्वीर में नजर आ रही यह बालिका हर्षिता बिश्नोई है, जो है चार साल। बच्ची ने करीब चार माह पूर्व टेस्ट का ढक्कन निकल लिया था। उस समय बाद हर्षिता की हालत और बिगड़ने लगी। परिजन उसे भोपाल से अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से भी हर्षिता की हालत में सुधार नहीं आया, उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन उसे हरदा से इंदौर लेकर आ गए। इंदौर के डॉक्टर गुरहत यशना ने इस बच्ची की स्थिति को देखते हुए हड़ताल को नजरअंदाज कर बच्ची का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान यह पाया गया कि बच्ची के नाक में जिसे दूरबीन के जरिए पहले गले तक लाया गया, फिर गले के रास्ते से इसे बाहर निकाला गया। फिलहाल ऑपरेशन के बाद से हर्षिता की स्थिति सामान्य है। परिजनों ने डॉक्टर को धन्यवाद। हड़ताल में सबने मना कर दिया था, हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बच्ची ज़्यादा तकलीफ में है और हम इतने दूर से आए हैं, मतलब हरदा से आज 150 किलोमीटर पड़ता है हरदा यहाँ से, तो इतने दूर से आया तो डॉक्टर साहब ने कुछ समझा बात को और फिर इमरजेंसी के हिसाब से उनने बोला, फिर यहाँ अभी आए विशेष हॉस्पिटल में सिटी स्कैन में उनने सामने रह के करवाया पूरा, मतलब उनने खुद करवाया है। और भोपाल में हमने सिटी स्कैन करवाया था तो उनने डॉक्टरों ने क्या करा कि यहाँ से गर्दन से नीचे नीचे करा, नाक पे नहीं करा कि यार नाक पे कैसा ढक्कन चढ़ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ डॉक्टर को समझ में नहीं आया वो चीज़। जो सर ने देखते से बिल्कुल 2 मिनट में उनको बताया, उनने बता दिया कि नाक में इनको कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। फिर सिटी स्कैन में क्लियर होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें फंसा हुआ है, तो फिर उन्होंने ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। फिर बाद डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान है, बिल्कुल हमारी बच्ची को बचा लिया उनने बहुत बड़ी, क्योंकि हम 4 महीने तो बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्ची के, मतलब उनकी नाक से पानी आना, नाक में से स्मेल बदबू बहुत आ रही थी डॉक्टर बच्ची को, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। सचिन तो हमारे यहाँ स्ट्राइक थी, आपको मालूम ही था कि कल हमको डॉक्टर्स को काम नहीं करना था, लेकिन ये था कि इमरजेंसी सर्विसेज को हम करेंगे ऐसा था। तो इन लोगों का मेरे पास टेलीफोन आया था कि बच्ची को हम हरदा से लेके निकले हैं और बच्ची को नाक में प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ है और 4 महीने से परेशान है,
तो मैंने पहले इनको मना करा कि आज इस तरह कि हम पेशेंट नहीं देखेंगे, पर मैंने कुछ सीनियर से बात करी कि बच्चा डिस्ट्रेस में है तो अपने को देखना चाहिए, तो उन्होंने बोला इमरजेंसी है तो पेशेंट को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने जैसे बच्चे को देखा, मैंने बोला आप विशेष हॉस्पिटल में लेके आ जाओ, तो विशेष हॉस्पिटल में बच्चे को देखते ही मेरे को लगा कि इस बच्चे के नाक में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने हॉस्पिटल वाले से रिक्वेस्ट करी कि इसका अपने को इमरजेंसी सीटी स्कैन करना चाहिए। अस्पताल ने परमिशन दी, विशेष हॉस्पिटल वालों ने, हमने नीचे ले जाके सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि नाक के पीछे इसके ज़रूर कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी या कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इनको समझाया कि बच्ची ने खाया पिया है, आज कुछ नहीं हो सकता। आज सवेरे इसको ओटी में लिया, बच्ची को खाली पेट रखा, लेकिन जैसे ही नाक के अंदर दूरबीन डाल के जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाइट कलर का ढक्कन, जैसे कोलगेट का टूथपेस्ट होता है उसका जो ढक्कन होता है एडल्ट साइज वाला, वो इसकी नाक में एक तरफ दिखा। जब इंडोस्कोप सेकेंड साइड डाला नाक में, वहाँ भी वही बटन दिखा। इनने हिस्ट्री मेरे को ज़रूर दी थी कि हमारे बच्चे ने ये टूथपेस्ट लगाने का या जो क्रीम लगाते हैं जिसको यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, उस साइज़ का ढक्कन बच्चे ने निकला था। पर चार महीने से डॉक्टरों ने ये बोला कि इसको कुछ भी नहीं है, पर जब दूरबीन के दौरान अपन ये देखा कि ये कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब उसको इतना बड़ा था कि नाक के जरिए निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो उस ढक्कन को थोड़ा सा पुश किया और उसको पुश करके गले के अंदर लिया और गले में से वहाँ से निकाला। ढक्कन की साइज नाक की साइज से 5 गुना बड़ा था। वो ढक्कन निकालते बच्चे डिस्ट्रेस में भी थी, बच्चे का सेचुरेशन काफ़ी लो हो गया था, एनेस्थेटिस हमारा बहुत अच्छा था, तुरंत ऑक्सीजन दे के सब चीज़ सेटल करी और बच्चा अभी टोटल कम्फर्टेबल है। मेरा कहना ये है कि स्ट्राइक जो थी वो इसीलिए थी कि डॉक्टर के साथ जो मारा जाता है, बदतमीजी की जाती है, उसी के अगेंस्ट हमने ये किया था। लेकिन हमारी डॉक्टरों में मानवता आज भी जिंदा है कि स्ट्राइक के दौरान जो इमरजेंसी थी उसको मैंने बखूबी निभाया और बच्चे की जान बचाई। स्कूल के बाद कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन ने नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज से इंदौर जिले में कॉलेज अभियान का शुभारंभ हुआ। इसी के अंतर्गत इंदौर के होलकर कॉलेज में कॉलेज चलो अभियान कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले के करीब 125 शिक्षक शामिल हुए। अधिकतर सरकारी स्कूलों में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज नहीं जा पाते हैं। स्कूलों के माध्यम से इन बच्चों को शासन की योजनाओं से अवगत कराए जाने के लिए ही कॉलेज चलो अभियान बनाया गया है। इस अभियान का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मकवानी ने किया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य सुरेश लावट सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। अब देखना यह है कि शासन का कॉलेज चलो अभियान शासकीय स्कूलों के बच्चों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है। मध्य प्रदेश शासन का कॉलेज चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण के में एडमिशन हो चुके हैं पूरे, और इसमें मध्य प्रदेश शासन की जो छात्रों को मिलने वाली 12 योजनाओं को हम लोग कॉलेज चलो अभियान में बोल रहे हैं कि 12वीं बाद छात्रों को क्या क्या मध्य प्रदेश शासन सुविधाएं देगा, मेधावी छात्र से लेकर स्वावलंबन योजना तक बता रहे हैं। और दूसरा 12वीं से जो पास होकर बच्चे आते हैं उनको कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए जिले के जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके प्रचारों को आज हमने होलकर कॉलेज में जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त संचालक के नेतृत्व में बुलाया गया। विदिशा में जन सुनवाई के दौरान एक युवक को अनोखा प्रदर्शन करते हुए देखा गया। माधव उद्यान के नजदीक इंद्र कॉम्प्लेक्स में रहने वाले असीम शर्मा अपने नए अंदाज में जन सुनवाई में पहुंचे। वे अपने शरीर पर पेड़ों की टहनियां और पत्तियां लगाकर आए थे। एक तख्ती पर पेड़ बचाने जीवन बचाने का संदेश लिखा हुआ था। असीम शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के सामने लिखित आवेदन देकर माधव उद्यान, इंद्र कॉम्प्लेक्स और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रातों रात काटे जा रहे वर्षों पुराने पेड़ों को बचाने की मांग की है। अनोखे प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी से कराने की बात कही। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि आए दिन रातों रात जिस पेड़ों के नीचे हम पले बड़े 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 हमने उनको होते देखा, काट दी जाते हैं, बेरहमी से काट दी जाते हैं। और इसका कारण मैं आपको पक्का बता दूं, ये कट के पेड़ वनोपज या वन विभाग के डिपो नहीं जा रहा है, ये सीधा टालों पे जा रहा है, बिक रहा है। इसके पीछे एक साजिश है
ये अधिकारी और इनकी सांठगांठ है, इसके बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं, पर ये सब के पीछे हम लोग का जो आत्मा दुख रही है। कल पीपल का पेड़ काट दिया, इन्हें धार्मिक भावनाओं का भी कदर नहीं है, इन्हें किसी चीज़ की कदर नहीं बची है, ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूँ कि एक समिति बनाई जाए विदिशा में, जो कि पेड़ों के लिए अनुमति देने के अधिकारी हो, ना कि कोई अधिकारी। आपने क्या आरोप भी लगा कि माधव उद्यान में भी कुछ पेड़ काटे जी? माधव उद्यान में आप हर तरफ ये हाल है, माधव उद्यान, नई कलेक्ट्रेट, पेड़ी चौराहा, विदिशा में तो जहाँ जाएँ वहाँ यही हाल है। पेड़ रातों रात बड़े तने के पेड़, कम से कम दो दो ढाई ढाई फीट जिनका घेरा था, वो काटे जा रहे हैं। आज आपको क्या पीड़ा हुई पेड़ काटने से? देखिए, एक किस्सा था बचपन का मेरे, मैं नदी से लौट रहा था, तूफान आया, मैं उस पीपल के नीचे पेड़ खड़ा हो गया। कल रात में मैं फिर से निकला तो वहाँ वो पीपल का पेड़ गायब था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह लगे दुर्घटना का कारण बन सकता है। अरे दुर्घटना का कारण गाड़ी से दुर्घटना होती तो क्या गाड़ियाँ बंद करें? बीते 5 से 6 महीनों में शहर में गुम हुए मोबाइल, जिनकी शिकायतें आम लोगों ने की थी, उन्हें साइबर सेल ने खोजकर उनके मालिकों को सौंप दिए। सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अमित सांघी और एएसपी ने करीब 15 मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल सौंपे तो उनके चेहरे खिल उठे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका मोबाइल उन्हें वापस मिलेगा। अपने मोबाइल को लेकर सभी इतने खुश हुए कि पुलिस टीम के साथ फोटो भी हाथों हाथ ले लिए। ऐसी शिकायतों पर साइबर सेल की टीम ने लगातार सर्चिंग कर दिसंबर से जून तक करीब 15 मोबाइल खोजकर आई शिकायतों के आधार पर उनके मालिकों तक पहुंचाए हैं। ये सामान्यतः पुलिस में लोगों के आवेदन आते रहते हैं और रोजाना ही हमें सागर जैसे जिले में 10, 15, 20, 25 आवेदन मिलते हैं जो कि मोबाइल गिरने से होते हैं। स्टूडेंट कोचिंग जा रहा है पढ़ने, बाइक से जेब से निकल जाता है, या गृहणियाँ, या लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, और इसमें घूमने की एप्लीकेशन ये देते हैं और इसको बहुत गंभीरता से कई बार नहीं लिया जाता। तो मैंने यहाँ आने के बाद एक अभियान चलाया कि लोग बहुत मुश्किल से ये स्मार्टफोन खरीद पाते हैं, जैसा अभी आज बताया लोगों ने कि पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने ख़रीदा था। तो इसलिए ये एक अभियान चला के हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के गुम हुए मोबाइल हैं उनको ढूंढें, और इसी क्रम में आज ये दूसरी बार लगभग 14-15 मोबाइल हमने, जो बहुत ही कीमती मोबाइल थे, लोगों को वापस किए, और ये क्रम, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि गुमे हुए 100% मोबाइल हम लोगों को लौटा दें। अभी मोबाइल आया था करीब 3 बजे एसपी ऑफिस से कि आपका मोबाइल मिल गया है, आप 5 बजे आ जाइए और आपको मोबाइल मिल जाएगा। कितनी उम्मीद थी, कैसे खरीदा था मोबाइल आपने? अरे बहुत मेहनत करता सर, हमारा बहुत मेहनत से खरीदा था सर, और हमको तो 8 अप्रैल 2018 की बात है, सब्जी बाजार से निकाल लिया जेब में से, फिर हमने वो मकरोनिया पुलिस थाने में रिपोर्ट की, फिर इधर एसपी ऑफिस में रिपोर्ट की। हमको विश्वास था कि मोबाइल ज़रूर मिलेगा। मोबाइल मिल गया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। किसको श्रेय देंगे इसका? एसपी ऑफिस को देंगे सर। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।